good morning everyone this is Srimati manisha Shrivastav, uchch madhyamik shikshak from government higher secondary school Guraya district chhindwara madhya pradesh today we are going to learn the lesson of preposition the lesson comes under grammar section so let's begin the lesson of preposition see preposition we have some sentences on the screen there is a cow in the field he is fond of tea the dog is lying on the wall in these sentences we are seeing that the word in of on these three words are marked with different color and these three words are here ूज्ड एज प्रिपोजिशंस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज प्रिपोजिशन अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस तो प्रिपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो संबंध बताता है नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ देखें प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स प्री एंड पोजिशन द मीनिंग ऑफ प्री इज बिफोर मतलब पहले पोजिशन मीन्स प्लेस या स्थिति तो ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले अपनी पोजीशन लेता हो जो नाउन के पहले अपने आप को स्थापित करता है और अन्य वर्ड्स वर्ड्स के साथ सेंटेंस में नाउन की संबंध को बताता हो वो कहलाता है प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजिशन प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन प्रीपोजिशन नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले उपयोग किया जाता है नाउ प्रिपोजिशन इंडिकेट प्रिपोजिशन जब हम यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो हमको क्या क्या इंडिकेशन देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं प्लेस एंड पोजिशन प्रिपोजिशन हमको बताता है नाउन की प्लेस या पोजिशन क्या है उसकी स्थिति क्या है सेकेंडली प्रिपोजिशन इंडिकेट्स टाइम टाइम यानी किस समय पर काम हो रहा है वह बताता है प्रिपोजिशन और थर्ड थर्डली प्रिपोजिशन इंडिकेट्स डायरेक्शन तो हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स देखें यूज ऑफ प्रिपोजिशन वी हैव प्रिपोजिशन सो मैनी प्रिपोजिशंस वी हैव इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज सम ऑफ देम वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन लोकेशन लोकेशन यानी स्थिति जो इन ऑन एट ये जो थ्री प्रिपोजिशंस हैं इनका यूज़ जनरली हम लोकेशन के लिए स्थिति बताने के लिए करते हैं जैसे वी आर इन द रूम तो वी यानी हमारी लोकेशन क्या है इन द रूम रूम के अंदर है ना द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल बॉक्स की पोजीशन क्या है टेबल के ऊपर ऑन एट यानी पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जब बताना रहता है द डॉग इज़ एट द गेट डॉग दरवाजे पर है तो ये जो तीनों ही प्रिपोजिशन हैं इन ऑन एट ये हमें नाउन की लोकेशन यानी स्थिति बताते हैं कि वह कहाँ पर है देन कम्स डायरेक्शन डायरेक्शन में हम यूज़ करते हैं इन इन टू ऑन ऑन टू 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 वार्ड एंड देन कम्स टाइम टाइम में भी हम बताते हैं ये जो इन ऑन एट हैं ये सभी जगह लगभग यूज़ होते हैं तो टाइम के लिए कम विद इन टाइम यानी समय के पहले आ जाओ द ट्रेन इज़ इन टाइम यानी समय के पहले है द ट्रेन इज़ ऑन टाइम समय पर है और द ट्रेन इज़ एट टाइम यानी अलग अलग प्रिपोजिशन हमको अलग अलग सेंस देते हैं बाय यानी द्वारा फॉर यानी के लिए सिंस यानी कब से कार्य हमने स्टार्ट किया है वह टाइम बताता है सिंस ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान यानी ड्यूरिंग दिस क्लास है ना डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग दिस क्लास इस क्लास के दौरान मुझे डिस्टर्ब ना करें फ्रॉम टू फ्रॉम जो है वो बताता है को कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और टू यानि कब तक वहाँ पहुँचेगा यानी यह भी टाइम कब से काम आरंभ हुआ और कब तक चलेगा फ्रॉम और टू दोनों को साथ में लेकर हम यूज़ करते हैं देन वी हैव स्पेशल रिलेशन यानी अराउंड अराउंड यानी आस पास यानी यानि के साथ साथ जैसे कोई पेड़ है उसके आस पास यदि कोई चक्कर लगा रहा है तो अपन बोल सकते हैं द बर्ड इज फ्लाइंग अराउंड द ट्री पक्षी पेड़ के आसपास उड़ रहा है अराउंड यानी चारों ओर अलोंग यानी के साथ साथ जैसे कोई नदी है नदी एक तरफ बह रही है उसके साथ साथ यदि हम किनारे से चलते हैं द मैन इज वॉकिंग अलोंग द रिवर ऐसा बोलेंगे एंड विद इन यानी समय के अंदर अगेंस्ट यानी अपोजिट में ठीक बाजू में जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल यदि कोई लड़का दीवार के से टिककर खड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे द बॉय इज स्टैंडिंग अगेंस्ट वॉल अक्रॉस अक्रॉस सामान्यतः क्रॉस करने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जैसे रोड जब हम एक तरफ से दाई ओर से बाई ओर की ओर मूव करते हैं तो अक्रॉस बोलेंगे रिवर जब हम पार करते हैं तो भी अक्रॉस बोलेंगे थ्रू यानी के द्वारा जैसे कोई पाइप के अंदर से पतले तार निकले हैं तो हम बोल सकते हैं द वायर गोज़ थ्रू द पाइप अबव यानी के ऊपर अब अबव जो है ये जो वर्ड है ये किसी स्टैंडर्ड लाइन uh, के ऊपर की बात करते हैं जैसे मान लो uh, किसी बच्चे का परफॉर्मेंस uh, थोड़ा कम है तो बोलेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉय इज़ बिलो द एवरेज और यदि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो बोलेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉय इज अबव द एवरेज तो अबव और बिलो एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनका यूज़ हम किसी न किसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए करते हैं अंडर यानी के नीचे जब वस्तु का जिस नाउन जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका दूसरे नाउन से डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है तब होता है अंडर अंडर का अपोजिट होता है ओवर फिर है बिसाइड यानी बाजू में बिहाइंड यानी पीछे के पीछे बिटवीन यानी दो के बीच अमंग यानी बहुत सारी चीज़ों के बीच इन फ्रंट ऑफ यानी सामने तो ये जो हमने प्रिपोजिशंस अभी देखे हैं इन प्रिपोजिशंस का हम सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करेंगे और इनकी पोजीशन कैसे आएगी वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ देखें लोकेशन बताने वाले जो वर्ड्स हैं उनका मैंने आपको एक बॉक्स ये आपको देख रहा है यहाँ पर बॉक्स है और बॉक्स के अंदर एक टैडी बैठा हुआ है तो के अंदर की जब फीलिंग हमको बतानी है का भाव देना है तो हम बोलेंगे द टैडी इज़ इन द बॉक्स तो यहाँ पे इन जो है वो अंदर बॉक्स के अंदर वाली बात है तो होगा इन द teddy इज़ ऑन द बॉक्स यहाँ देख रहे हैं हम ये बॉक्स रखा हुआ है और बॉक्स के ऊपर टैडी है तो यहाँ देखें टैडी और बॉक्स दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट है जहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट है वहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे फिर है एट एट जो है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है तो देखें यहाँ पे द टैडी इज़ एट द डोर टैडी डोर पर दरवाजे पर है तो ये तीनों ही जो प्रपोजिशंस uh, हमने लिए हैं इन ऑन एट यहाँ पर लोकेशन बताने के लिए यूज़ किए गए हैं अब देखते हैं जब हम इन का उपयोग करते हैं जब हम टाइम बताने के लिए करते हैं तो सामान्य अर्थों में उपयोग करते हैं और लंबी अवधि की चीज़ों के लिए बताते हैं हाँ और जब हम लोकेशन बताने के लिए इनका उपयोग करते हैं तो बड़ी बड़े शहर बड़ा देश यानि कोई टू द पॉइंट वाली बात नहीं रहती अब जैसे हमने बोला इंडिया तो इंडिया एक देश है है ना अब इन इंडिया आई लिव इन इंडिया तो इंडिया में कहाँ तो इंडिया एक बहुत ब्रॉड चीज़ है तो ब्रॉड चीज़ों को बनाने के लिए हम इन का उपयोग करते हैं और जब हम लोकेशन के क्षेत्र में इनका उपयोग करते हैं तो जैसे डेली बड़ी सिटी के लिए हम यूज़ करेंगे इन जैसे चाइना टाउन नेबरहुड यानी पड़ोस के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं ऐसे ही यहाँ पर देखें हम जब हम टाइम के सेंस में इनका यूज़ करते हैं तो ये भी बृहद क्षेत्र में लिया जाता है बहुत ही ब्रॉड सेंस में जैसे सेंचुरी, सेंचुरीज सेंचुरीज़ यानी हंड्रेड अ पीरियड ऑफ हंड्रेड इयर्स तो एक यानी हंड्रेड इयर्स के पीरियड में द नाइन्टीज़ यानी उन्नीसवीं सदी की बात है द नाइन्टीज़ बोलेंगे पूरे सौ वर्षों के बीच की बात है डिकेड्स डिकेट्स यानी द पीरियड ऑफ टेन ईयर्स तो डिकेट्स की जब बात करते हैं टेन ईयर भी बहुत ब्रॉड टाइम uh, को अपने आप में लिए हुए हैं देन कम्स ईयर्स ईयर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी थ्री सिक्सटी फाइव डेज हैं तो ये ईयर्स भी बहुत ब्रॉड चीज़ है तो इन नाइनटीन सेवेंटी या इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इस तरीके से हम बोल सकते हैं है मंथ्स है ना जुलाई मे जुलाई में यानी कोई भी मंथ हो सकता है यहाँ पे तो आई वॉज़ बॉर्न इन जुलाई तो अब जुलाई में यहाँ पे हम यहाँ पर भी देखें आपको ब्रॉड सेंस दे रहे हैं पर्टिकुलर डेट नहीं बता रहे हैं यहाँ पे है ना ऐसे ही वीक्स वीक्स में भी सेवन डेज होते हैं ये भी ब्रॉड सेंस देने के लिए जब भी हम किसी प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वो प्रिपोजिशन होती है इन चाहे हम उसे टाइम के सेंस में लें चाहे हम लोकेशन के सेंस में लें देन कम्स ऑन ऑन जो प्रिपोजिशन है ये भी टाइम और लोकेशन दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है तो जब हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो इनकी तुलना में ये अधिक स्पेसिफिक होता है मोर स्पेसिफिक किसकी तुलना में कंपेरेटिव टू इन अब देखें नोवम्बर फोर्टीनथ नाइनटीन सेवेंटी सेवन यहाँ देखिए जब हम वहाँ पे पूरा नवंबर की बात मंथ की बात कर रहे हैं तो मंथ से हम मोर स्पेसिफिक की ओर गए हमने डेट डाली यहाँ पे है ना ऑन नवंबर आई वाज बोर्न ऑन नवंबर फोर्टीनथ नाइनटीन सेवेंटी सेवन तो ऑन का यूज़ क्या बता रहा है उस पर्टिकुलर डेट को डेज माई बर्थडे ऑन माई बर्थडे मीट मी ऑन माई बर्थडे तो यहाँ पर भी ये स्पेसिफिक हो गया है मोर स्पेसिफिक वीकेंड वीकेंड में सैटरडे मीड मी ऑन सैटरडे द वीक वीकेंड यानी ये भी स्पेसिफिक जब बात होती है टाइम के सेंस में तब हम ऑन का यूज़ करते हैं देन कम्स ऑन इन देंस ऑफ लोकेशन तो ऑन जैसे हमने इन में इनको ब्रॉडर सेंस में लिया था यहाँ पर लोकेशन में जब हम यूज़ कर रहे हैं ऑन तो वो थोड़ा स्मॉलर सेंस में आ जाता है वहाँ हम कंट्री की और बिगर सिटीज़ की मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहे थे यहाँ पे हम गली और मोहल्ले की बात करेंगे तो ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गली की बात हो रही है ऑन द बीटल कॉर्नर है ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कब बीटल बीटल कॉर्नर बीटल कॉर्नर यानी पान की दुकान पे ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया ऑन का हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉलर के सेंस में देन कम्स एट एट जो है वेरी स्पेसिफिक है अभी वहाँ पे जो ऑन का यूज़ किया था मोर स्पेसिफिक था लेकिन जब यहाँ पे हम एट की बात करते हैं तो टाइम के सेंस में इट्स वेरी स्पेसिफिक जैसे एट सेवन ए एम मतलब टू द पॉइंट बात जब हमें करनी है तो हम एट का उपयोग करते हैं मीट मी एट सेवन ए एम कम ऑन द कम टू द क्लास एट ट्वेल्व ओ क्ला क्लाक यानि क्लास में ठीक बारह बजे पहुँच जाओ है न द्रेक विल बी द ट्री ब्रेक विल बी एट फाइव पी एम ये वेरी स्पेसिफिक जब हमें बात करनी है तब हम ऐट का उपयोग करते हैं टाइम के सेंस में ऐसे ही जब लोकेशन की बात आती है तो ऐट का यूज़ हम करते हैं स्मॉलेस्ट चीज़ को बताने के लिए जैसे यहाँ पे किया है ट्वेंटी वन ए नंदन रेसिडेंसी या नंदन कॉलोनी मतलब कि हमने ये पर्टिकुलर लोकेशन को बताने के लिए कॉलोनी के अंदर भी कोई पर्टिकुलर एड्रेस है उसको बताने के लिए हमने इस ऐट का यूज़ किया है आई लिव एट ट्वेंटी वन ए नंदन कॉलोनी मतलब ऐट जो है वो टू द पॉइंट एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है द स्टोर स्पेसिफ़िक लोकेशन है ना आई विल बी एट द स्टोर एट फाइव पी एम मैं स्टोर पर रहूँगा एट फाइव पी एम ठीक पाँच बजे यानी दो बार हमने एट का यूज़ किया एक बार हमने एट टाइम के सेंस में यूज़ किया और एक बार एट हमने लोकेशन के सेंस में यूज़ किया नाउ वी हैव सम मोर प्रपोजिशंस दीज प्रपोजिशंस आर denoting the direction see here the teddy is jumping into the box yahan यहाँ देखें teddy यह hai है ये ho होके पहुँच गया box के अंदर तो यहाँ pe हम क्या बता रहे हैं motion. Motion यानि गति और uh, जब एक environment से चीज़ दूसरे environment में जाती है तो हम यूज़ करते हैं into का तो यहाँ पे गति भी बताते हैं मोशन भी बताते हैं और चेंज ऑफ एनवायरनमेंट यानी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर एयर से वाटर वाटर से एयर जैसे द स्विमर जम्पड इं द रिवर यानि तैराक नदी के अंदर इनटू यानि के अंदर कूदा वैसे ही यहाँ पर द टेडी इज़ जम्पिंग इन टू द बॉक्स नाउ द टेडी इज़ जम्पिंग ऑन टू द बॉक्स यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉक्स रखा है और ये एरो बना है अब ये देखिए एरो ये, ये बता रहा है कि इस बॉक्स के ऊपर इन टू यानि के अंदर और ऑन टू यानि के ऊपर तो दोनों ही जो प्रिपोजिशन है इन टू एंड ऑन टू इनका यूज़ मोशन के सेंस में किया जाता है नेक्स्ट है रिलेटिव पोजिशन हमको देखने को मिल रही है ओवर द टेडी इज़ ओवर द बॉक्स ये बॉक्स है बॉक्स के ऊपर अब हम देखें ऑन ऑन का अर्थ भी के ऊपर होता है लेकिन ऑन का यूज होता है जब टेडी और बॉक्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पर यहाँ हम देख रहे हैं दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओवर का और यहाँ देखें द टेडी इज अंडर द बॉक्स तो अंडर द बॉक्स यानी बॉक्स के नीचे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बॉक्स का और टेडी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो ओवर और अंडर ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं और दोनों में ही नाउन का दूसरे नाउन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है नेक्स्ट है ये भी रिलेटिव पोजिशन बताने वाला प्रोनाउन है द teddy इज बिटवीन द बॉक्स जब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं तो बिटवीन हमेशा दो चीज़ों के लिए होती है यहाँ देखें दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं हमको इन दो के बीच में है टेडी तो यहाँ पे टेडी की पोजीशन क्या है इट इज़ बिटवीन द बॉक्स बिटवीन यानी दो के बीच में है यहाँ देखें द टेडी इज अमंग द कप्स यहाँ देख रहे हैं हम कि टेडी है और टेडी के आसपास बहुत सारे कप्स रखे हुए हैं तो जब एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच की बात करते हैं हम तो अमंग का यूज़ करते हैं और जब दो के बीच की बात करते हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं नेक्स्ट वी हैव बहाइंड द टैडी इज बहाइंड द बॉक्स यहाँ पर देख रहे हैं बॉक्स सामने है हैं बॉक्स के पीछे तो बहाइंड का अर्थ क्या निकल रहा है के पीछे द टैडी इज़ बहाइंड द बॉक्स यू कैन सी द पोजिशन ऑफ द टैडी With relation to the box, we are giving the impression of behind, यानि के पीछे The teddy is in front of the box. Teddy बॉक्स के सामने हैं तो यहाँ पर भी हम मान सकते हैं कि बहाइंड का अपोजिट होता है इन फ्रंट ऑफ और ये दोनों ही प्रिपोजिशंस वस्तु के पीछे होने या किसी पर्टिकुलर चीज़ के सामने होने का बोध कराते हैं अनदर प्रिपोजिशन द टैडी इज बिसाइड द बॉक्स बिसाइड यानि के बाजू में तो बॉक्स के बाजू में कौन है टैडी बिसाइड दोनों ही उसमें यूज किया जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर राइट हैंड साइड में हो तो भी किया जा सकता है पर बिसाइड का अर्थ होता है के बाजू में एंड द टैडी इज नेक्स्ट टू द बॉक्स यहाँ पर देख रहे हैं बॉक्स है, बॉक्स के बाद नेक्स्ट टू यानी के बाद ठीक उसके बाद जो है वो टैडी है तो यहाँ पे बिसाइड यानि बाजू में और नेक्स्ट टू यानि ठीक उसके बाद अनदर पिक्चर वी हैव द टेडी इज नियर द बॉक्स यहाँ देख रहे हैं बॉक्स की और टेडी की दूरी बहुत कम है नियर यानि पास द टेडी इज नियर द बॉक्स द टेडी इज फार फ्रॉम द बॉक्स इधर देख रहे हैं हम कि टेडी की और इस बॉक्स की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो फार और नियर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स भी हैं और ये फिज़िकल डिस्टेंस को बताते हैं नियर फिज़िकल नियरनेस यानी पास बताता है और फार यानी फिजिकल दूरी बताता है शारीरिक रूप से दूरी या शारीरिक रूप से पास होना नाउ वी हैव सो मैनी प्रिपोजिशंस And uh, I am going to sum up the prepositions. Uh, here you are seeing inside. Here in this box, you are seeing the ball is inside the box. The ball is on the box. The ball is at the leg of the box. The ball is near the box. The ball is under the box. द बॉल इज ओवर द बॉक्स द बॉल इज बिलो द लेवल द बॉक्स इज अबव द लेवल यहाँ पे देखें ये जो चौकौर चीज दी हुई है ये लेवल मान लें हम तो द बॉल इज अबव द लेवल और यहाँ पर यह जो चौकोर चीज है ये लेवल है तो उसके नीचे तो द बॉल इज बिलो द लेवल द बॉल इज सराउंडड बाय द यानी ब्लैक बॉल इज सराउंडेड बाय द रेड बॉल अराउंड थ्रू थ्रू का यूज मैंने बताया था कि जैसे बड़े पाइप के बीच से कोई छोटा तार निकला हो है ना गो थ्रू द हाँ थ्रू का यूज़ हम जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसको पूरा बारीकी से एक एक पढ़ना रहता है तो भी यूज़ करते हैं गो थ्रू द बुक्स बोलते हैं फिर है अमंग, अमंग यानी होता है कई चीज़ों के बीच तो यहाँ देख रहे हैं सो मैनी ब्लैक बॉल्स वी हैव एंड ओनली वन रेड बॉल द रेड बॉल इज अमंग द ब्लैक बॉल हम इस तरीके का सेंटेंस कन फ्रेम कर सकते हैं हेयर रेड बॉल इज़ बिटवीन ब्लैक बॉल्स तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया है इसका मतलब कि वो दो ही बॉल्स हैं जिनके बीच में एक रेड बॉल है नेक्स्ट है बहाइंड यहाँ देख रहे हैं आप द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स बॉल बॉक्स के पीछे है बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स बॉल बॉक्स के सामने है द बॉल गोज़ अलोंग द रोड ये मान लीजिए रोड है रोड के साथ साथ जहाँ जहाँ रोड जा रही है वहाँ वहाँ बॉल जा रही है द बॉल गोज़ अलोंग द रोड और यहाँ देख रहे हैं द बॉल गोज़ अक्रॉस द रोड ये यहाँ पे बॉल रोड को क्रॉस कर रही है रोड को क्रॉस करना मतलब आड़ा क्रॉस करना और अलोंग मतलब खड़े साथ साथ जाना अप अप यानी ऊपर की द बॉल इज अप ऑन द स्टेप अप द स्टेप द बॉल कम्स डाउन द स्टेप अप यानी ऊपर और डाउन यानि नीचे ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं अपोजिट अपोजिट यानि एक दूसरे के विरोध में ये देखिए दो आमने सामने अपोजिट यानि यहाँ पे आमने सामने अर्थ जो दे रहा है अपोजिट आमने सामने ऑन टू ऑन टू यानी ऊपर पहुंचना. ऑफ यानी संपर्क तोड़ देना जैसे स्विच ऑफ कर दे बोलते हैं तो स्विच ऑफ ओ डबल एफ ऑफ मतलब संपर्क तोड़ना इन टू द बॉल कम्स इन टू द बॉक्स यहाँ पर मोशन हो रहा है बॉल में यहाँ देखें आउट ऑफ द बॉल गोज आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर भी बॉल का मोशन हो रहा है यहाँ पर पास्ट यानि दूर है यहाँ पर देखें बॉक्स और उसके साथ बॉल है तो इसमें देखें नेक्स्ट टू बाय और बिसाइड तीनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स नेक्स्ट टू यानि के ठीक बाद है बाय यानि के साथ द बॉल इज बाय द बॉक्स बॉल बॉक्स के साथ है यहाँ पे बाय मतलब के साथ अर्थ रहा है बिसाइड यानि के बाजू में अगेंस्ट अगेंस्ट का अर्थ होता है ठीक सामने टच करते हुए तो यहाँ पे देखें बॉल इज़ अगेंस्ट द बॉक्स द बॉल इज ओवर द ओवर ब्रिज और ब्रिज जो हम देखते हैं तो ब्रिज जो होता है आपके सिर के ऊपर से गुजरता है आपका सिर उसको टच नहीं कर पाता है कोई चीज़ जो आपके सर को टच ना करे और पर आपके ऊपर है तो हम उसको बोलेंगे ओवर फ्रॉम टू द बॉज बॉल गोज फ्राम दिस बॉल टू दैट बॉल यहाँ पे बॉल इस बॉल से नेक्स्ट बॉल की तरफ जा रही है टू वार्ड्स यानि की ओर टू वार्ड्स का अर्थ हो रेड बॉल इज मूविंग टू वार्ड्स ब्लैक बॉल तो या हियर वी हैव कम्पलीटेड द लेसन ऑफ प्रिपोजिशन थैंक यू हैव अ ग्रेट डे